Hello, my lovely Protons Army. A very warm welcome to today's session. This is Nikki, ma'am, your chemistry teacher at Vedantu. I hope आपका दिन काफी अच्छा गया होगा और आप सब एकदम बढ़िया होंगे. So in today's session, what are we going to do? हम actually compare करने वाले हैं कि PCB versus PCM किसका scope ज़्यादा है. तो ये session भी till the end ज़रूर देखना. Do share it with your friends और channel को पक्का से subscribe कर देना if you've not done it yet. Let's proceed ahead with today's session. अपार्ट फ्रॉम दैट बच्चा पार्टी, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना. मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है nikita_08sahu टू कनेक्ट विथ मी मोर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एज वेल. ओके, सो बच्चा पार्टी, सो वी हैव द पाथ टू ग्लोरी वेर इन यू कैन मीट योर फेवरेट AKR एंड द अदर फेवरेट मास्टर टीचर्स. तो ये आपका इवेंट होने वाला है दिल्ली और हैदराबाद में. रजिस्टर कर लो जल्दी से, द लिंक इज गिवन टू यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ठीक है, सो यू कैन ऑब्वियसली मीट योर फेवरेट मास्टर टीचर. अटेंड करियर काउंसलिंग, ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ही महत्वपूर्ण टाइम है जिसमें बहुत आपको ऐसा कोई मेंटर या टीचर चाहिए जो आपको अच्छे से गाइडेंस दे सके कि आपको कौन सा करियर ऑप्ट करना चाहिए, कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए. दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल. ठीक है, अब आप ब्रिज वर्कशॉप ले सकते हो पर्सनलाइज्ड हाईटेक क्लासरूम से, विच इज द वेदांतु लर्निंग सेंटर. एंड यू कैन एक्चुअली अवेल एक्सक्लूसिव ऑफर्स और आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल सकते हैं. सो प्लीज रजिस्टर कर लेना. March 23rd को जनकपुरी दिल्ली में होने वाला है ये पर्टिकुलर इवेंट. March 24th को निजामपेट हैदराबाद में एंड द टाइम इज 10 AM to 4 PM. ठीक है, यहाँ पे निजामपेट हैदराबाद में आपका वेन्यू है वेदांतु सेंटर विज्ञान स्कूल. तो ये आप मैंशन है ऑलरेडी. दिल्ली में इट्स वेदांतु लर्निंग सेंटर अपोजिट मेट्रो पिलर. तो आपको लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, याद से रजिस्टर कर लेना. और It's going to be a really, really good session for all of you. वो पक्का से आप अटेंड कर लेना. Okay, चल पहले before we compare कि PCM या PCB किसका ज़्यादा scope है, थोड़ा सा हम देखते हैं कि exactly ये कौन से combination of subjects है. ठीक है, तो यहाँ पे actually तीन चीजों के बारे में we are going to talk about PCM versus PCB versus PCMB. PCM simple क्या है? Physics, chemistry और mathematics है. ठीक है, आपका PCB है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी. और बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो कि भाई हमें कॉम्बिनेशन लेना है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी, तो एक और डिफरेंट सेट बनता है, दैट इज PCMB. ठीक है, तो ये तीन आपके ऑप्शंस हैं. ठीक है, ये हमें जनरल आइडिया मिल गया. नाउ बच्चा पार्टी, यहाँ पे आप देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत मैटर करती हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है. ठीक है, अगर आपको ऑब्वियसली बायो बहुत ज़्यादा पसंद है, आपको डॉक्टर बनना है, वो चीज़ एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपके दिमाग में, यू कैन एक्चुअली प्रिपेयर आई मीन टेक द कॉम्बिनेशन ऑफ PCB एंड गो अहेड. ठीक है, तो जो PCB है विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है. तो ये आप नीट एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. एंड ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ रियली गुड कॉम्बो. और ऑब्वियसली इस पर्टिकुलर केस में ये चीज मैटर करती है कि बायोलॉजी आपको बहुत पसंद है, आपको हेल्थ केयर में काम करना है, यू वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, तो आप ये कॉम्बो ले सकते हो. नेक्स्ट क्या है? PCM. ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, विच इज वेरी यूजफुल फॉर JEE एस्पिरेंट्स. आप जो JEE का प्रिपेयर कर रहे हैं बच्चा पार्टी, JEE में आपके दो पेपर हैं, एज इन लाइक मेन्स होता है और एक आपका होता है एडवांस्ड. आप मेंस क्लियर करोगे तो ही आप एडवांस्ड का एग्जाम दे सकते हो. बट कैन यू बोथ टेक बोथ बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स? आप बिल्कुल ले सकते हो, बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड हो. नो मोर नंबर ऑफ ऑप्शंस खुल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन करूंगी कि फॉर एग्जाम्पल आपका नीट क्लियर नहीं हुआ या JEE किसी कारणवश क्लियर नहीं हुआ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वहां लाइफ खत्म हो जाती. देर आर अदर करियर ऑप्शंस एज वेल. इवन आई एम अ PCM स्टूडेंट. ठीक है, मैंने खुद BSc MSc करा हुआ है. सो लाइफ वहाँ पे बिल्कुल खत्म नहीं हो जाती. बट व्हाट मैटर्स इज योर इंटरेस्ट, आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हो वहाँ पे. ठीक है, तो आप PCMB भी ले सकते हो. नाउ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन हेल्प्स अ लॉट इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री न्यूमेरिकल. विदाउट मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री इज लिटिल बिट डिफिकल्ट. ऑब्वियसली यहाँ पे एक चीज मैं बोलूंगी, अगर आप PCM का कॉम्बिनेशन ले रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्स आपकी अच्छी होनी चाहिए. अगर एवरेज है, आप कंसिस्टेंट एफर्ट से उसको अच्छा कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली टेक दिस पर्टिकुलर थिंग. क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री कॉन्स्टेंट होगा दोनों में, एक चीज डिफर करेगी मैथ्स और बायोलॉजी, राइट? तो इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया, न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करोगे तो केमिस्ट्री में भी ईजी होगा और फिजिक्स में भी ईजी होगा. ठीक है,
can it can be academically challenging and require a significant amount of time and effort to excel, which is absolutely true. कि आप यहाँ पे ये चीज़ों को और matter करेगी कि आप कितना एफर्ट डाल रहे हो, क्योंकि टेंथ के बाद जीवन बदल जाता है जब आप इलेवेंथ और ट्वेल्थ में जाते हो, एग्जाम का प्रिपरेशन करते हो. ठीक है, तो आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, उसमें न्यूमेरिकल्स होंगे ही, डेरिवेशंस होंगे ही. ठीक है, तो वो एकेडमिकली थोड़ा चैलेंजिंग होगा. तो ऑब्वियसली एग्जाम क्रैक करोगे तो आप ऑब्स्टेकल्स और हर्डल्स को पार करके ही करोगे, राइट? सो इट कैन बी एकेडमिकली चैलेंजिंग, बट यू कैन पुट इन कंसिस्टेंट एफर्ट्स. अब PCB का तो मैंने आपको एक चीज बता दिया कि आप नीट के एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो. नीट के अलावा भी बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं. ठीक है, ग्रेजुएशन कोर्सेज में आप जुअलॉजी, BSc, MSc कर सकते हो. इन जुअलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, ये आप ग्रेजुएशन कर सकते हो. ठीक है, इसके अलावा क्या क्या ऑप्शंस हैं? यू कैन एक्चुअली वर्क इन एसोसिएटेड सब्जेक्ट्स एज वेल, सच एज न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड सो ऑन. तो सिर्फ नीट ही आपका लास्ट ऑप्शन नहीं है, अगर बाई चांस वो नहीं क्लियर हुआ, सो यू हैव अदर करियर ऑप्शन एज वेल. BSc, MSc भी करके यू हैव लॉट ऑफ करियर ऑप्शन ऑल्सो. ठीक है, persons interested in medicine but unwilling to pursue the traditional MBBS route might go into areas of medicine such as dentistry, ayurveda, homeopathy and so on, or allied medical fields. to agar aapko jo traditional method hai MBBS hi nahi karna hai directly, you can actually go ahead with other options as well, jaise ki dentistry aapne kar liya, ayurveda, homeopathy, to ye aapke alag set of career options hai PCB ke. theek hai, अब देखते हैं PCM के करियर अपॉर्चुनिटीज कौन कौन से हैं. एक तो सबसे पहले, अगर आप एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हो, JEE मेंस और एडवांस्ड हो गया, अब बाय चांस वो क्लियर नहीं हुआ, सिंस आई एम ऑल्सो अ PCM स्टूडेंट, तो देख रहे हो लाइफ खत्म नहीं होती, एग्जाम्पल, लाइफ गोज ऑन एंड देयर इज ऑलवेज गुड थिंग्स कमिंग अप. तो PCM करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं? आर्किटेक्चर, एविएशन, स्टैटिस्टिक्स, डिफेंस, डिजाइन, एथिकल हैकिंग, मर्चेंट नेवी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, MSc, BSc, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड सो ऑन. तो आप सिंपल BSc, MSc भी कर सकते हो इन योर स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट्स. ठीक है, यू कैन एक्चुअली वर्क इन MNC, या आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, PhD करना है, तो उसके लिए भी सेपरेट एग्जाम्स होते हैं. जैसे कि अगर आपको PhD करना है या आपको प्रोफेसर बनना है, यू हैव योर CSIR नेट एग्जाम, गेट के एग्जाम्स होते हैं अगर आपको MNCs में काम करना है. तो ये कुछ PCM के करियर अपॉर्चुनिटीज हैं यहाँ पे. ठीक है, आई होप ये चीज आपको और अच्छे से समझ में आ गई होगी बच्चा पार्टी. अपार्ट फ्रॉम दैट, आई होप ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो कि वेदांतु लर्निंग सेंटर इज एक्चुअली नाउ देयर इन योर सिटीज, बहुत सारे सिटीज में है, अगर आपको JEE नीट या फाउंडेशन एग्जाम्स का प्रिपरेशन करना है. ठीक है, सो यू हैव एक्चुअली लॉट ऑफ ऑप्शंस एज वेल टू एक्चुअली प्रिपेयर फॉर एग्जाम. और ये कुछ हमारे चैनल्स हैं, डेफिनेटली सब्सक्राइब टू दिस, वेदांतु JEE नीटेक्स एंड वेदांतु JEE मेड ईजी. तो ये आप चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट यू कैन एक्चुअली गेट ऑल द प्रॉपर नोट्स, अपडेट्स एंड सेशंस फ्रॉम दीज रिस्पेक्टिव चैनल्स. तो कौन से किस में एक्चुअली ज्यादा स्कोप है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन वट हाउ मच अमाउंट ऑफ एफर्ट्स यूर पुटिंग इन. क्योंकि इंटरेस्ट आपका होगा तो आप स्कोप उसमें एक्चुअली ढूंढ ही लोगे. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई होप यू फाउंड टुडेज़ सेशन यूजफुल एंड प्रोडक्टिव. मुझे कॉमेंट में जरूर बताना आप कौन सा स्ट्रीम लेने का सोच रहे हो. सो सी यू वेरी वेरी सून. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना चैनल को इफ यू नॉट, एंड हैप्पी लर्निंग एवरी वन. बाय बाय.